और जहाँ तक ये बनाई का सवाल है, बहुत ही मैंने दुखद अध्याय है वो, एक भारतीय पत्रकारिता के लिए बड़ा मैंने इतना कष्टप्रद चैप्टर है कि उसके बारे में मत पूछिए। हम तो बरसों से कह रहे हैं, मैं कह रहा था कि जो देश का हाल है वही बनाई का हाल है, और ये कॉरपोरेट वॉर के कारण सब हुआ है। ये वहाँ के कर्मचारी बहुत ही मेहनत से अभी भी काम कर रहे हैं, मैं रिटायर हो गया हूँ, लोग मेहनत से इतने होने के बाद भी लोग खबर देते रहे, करते रहे, और बीच बीच में कुछ लोग कोशिश भी करते रहे कि उसको उसका विकास किया जाए, लेकिन क्या कीजिएगा, अब सरकार ही उसको उसकी रुचि नहीं है। उन्होंने कांग्रेस सरकार रुचि थी ना, बीजेपी सरकार रुचि है। एक एजेंसी को आपको मालूम होगा कि नेहरू जी ने इसको इसलिए बनाया था कि जब एक बार वो किसी भाषण देने में गए थे वहाँ पर और पीटीआई के बंदा नहीं आया था तो उनकी खबरें नहीं छपी, तब नेहरू जी को लगा कि नहीं, कोई एक एक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं चाहिए, तो उन्होंने एक संसद के संकल्प से ये यूएनआई की स्थापना हुई थी। तो एक था कि दो एजेंसी रहेगी तो उसमें कंपटीशन भी रहेगा और अच्छा भी रहेगा, और धीरे धीरे यूएनआई फ्लोरिश हुई। एक ज़माने में यूएनआई की बहुत सारी खबरें छपती भी थी, सब कुछ था, लेकिन अब पत्रकारिता में जो टेक्नोलॉजी का बदलाव आया, लोगों की रुचियों का बदलाव आया, खबरों की परिभाषा बदल गई। बहुत सारी खबरें जो हम लोग ज़माने में देते थे वो अखबारों में छपती थी, अब उन खबरों की परिभाषा ही बदल गई, वो अखबार वाले उस तरह की खबर अब छापना ही नहीं चाहते हैं। तो ये जो बदलाव आया है वो टेक्नोलॉजी से भी आया है, लोगों की रुचियों से भी आया है, बाज़ार के आने से सब कुछ है। बाज़ार ने आकर सब चीज़ों को असंतुलित कर दिया है, धराशायी कर दिया है, और जैसी स्थिति मीडिया में बाज़ार के आने से हुई आई, वैसी ही किसानों के बारे में जो कानून बने हैं, तीन के कृषि कानून, उससे भी बाज़ार का असंतुलन पैदा हो गया। किसान क्या कर रहे हैं कि देखिए इससे मार्केट जो है वो आपको इम्बैलेंस क्रिएट कर देगी। आप देखिए जियो का आप लेते हैं, अभी सस्ता देता है बाद में महंगा कर देता है, तो आज वो महंगे दाम पर वो न्यूनतम सपोर्ट प्राइस पर खरीदेंगे, बाद में वो सस्ते दाम पर कर लेंगे, तो अब क्या कीजिएगा, वो तो कंट्रोल करने लेंगे वो, तब बाज़ार जो है वो चीज़ों को कंट्रोल करने लगा, लड़ाई इसकी है। लेकिन ये भी सच है कि जब आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ 1992 में, तो मनमोहन सिंह ने इसको जब फ्लड गेट खोला ना, तो खोलने के बाद से क्या हुआ कि हर चीज़ में निजीकरण होने लगा। शिक्षा में हुआ, शिक्षा में देखिए फीस बढ़ने लगी, इतने प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ खुल गई उनमें कोई क्वालिटी नहीं रही, सरकारी संस्थानों को बर्बाद किया गया। उसके बाद डिफेंस में भी अब आपके विदेशी पूंजी निवेश होने लगा, हर क्षेत्र में, मीडिया में भी पूंजी निवेश निवेश का इंक्रीज कर दिया गया। तो हर क्षेत्र में जब निजीकरण होगा तो जाहिर है कि कृषि के क्षेत्र में होगा। तो देखिए किसानों ने इसका विरोध किया, शिक्षक उतना विरोध नहीं कर पाए, मीडिया के लोग उसका विरोध नहीं कर पाए, और क्षेत्रों के लोग नहीं विरोध कर पाए, कंपनियां कितनी बंद हो गई, वो लोग भी, मजदूर भी उतना विरोध नहीं कर पाए, लेकिन किसानों ने विरोध करके ये दिखा दिया। इसलिए लड़ाई खाली ये कृषि कानून की नहीं है, ये लड़ाई ये है कि इस देश में निजीकरण, और ये देश है कृषि प्रधान देश की जगह अब कॉरपोरेट प्रधान देश हो गया है, मूल बात ये है। तो अब देश को कॉरपोरेट प्रधान बनाना है या कृषि प्रधान बनाना है, ये देश की जनता तय करे और जो पत्रकार वो भी तय कर लिए, क्योंकि इसमें जो कीमतें बढ़ेंगी सामान की, आज आप देखिए पेट्रोल 100 रुपये करीब हो गया है, अब उसी तरह से ये दाल तेल सब 200 300 500 में एक दिन बिकेंगे और आप खरीदेंगे। वो किसान तो अपनी खेत उजागर अपनी पेट भर लेंगे, लेकिन मध्य वर्ग लोग क्या करेंगे, उनको इतनी कीमतों में खरीदना पड़ेगा, लेकिन जो देश का अमीर वर्ग है वो तो खरीद लेगा, लेकिन जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास, वो लोग महंगे अनाज कैसे खरीदेंगे। सारी कमाई अंबानी और अडानी और तमाम जो भी पूंजीपति शामिल हों उनके पेट में जाएगा वो। आप देखिए अभी ऑक्सफैम की रिपोर्ट आ गई है कि 100 अरबपतियों की आमदनी बढ़ी है, 35% इंक्रीज हुआ है, जबकि देश के अर्थव्यवस्था की हालत ख़राब है। हमारा GDP जो है वो करीब करीब आधा कम हो गया है, कल ही रिपोर्ट जारी हुई है पार्लियामेंट्री जो स्टडीज़ है उसकी ओर से, उसमें बताया गया कि इतना कम GDP, 40% से कम GDP आपका हो गया है, ग्रोथ रेट आपका -7 पॉइंट कितना बढ़ गया है वो। तो जब इतनी स्थिति ख़राब है तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि पूरा एनार्की होगी, और एनार्की दिखाई पड़ रही है। दिल्ली में इतना सारा कुछ हुआ तो एनार्की का नतीजा है, लाल किले के सामने पुलिस बैठी हुई है। अगर पुलिस इतनी सख्ती राकेश टिकैत के सामने कर सकती है हटाने के लिए, तो इतनी सख्ती तो वहाँ पर उसको पकड़ने के लिए भी कर सकती थी, लेकिन नहीं किया, तमाशबीन बनकर। तो
तो ये सारी स्थिति है, वही बनाए की भी स्थिति, वही जो देश की स्थिति है वैसी स्थिति है। हम तो चाहेंगे कि बनाए की स्थिति सुधरे और अच्छा हो और बेहतर हो, तो अच्छा रहेगा, पीटीआई के सामने कंपटीशन रहेगा। जबकि वनाई में, खासकर मैं वार्ता में कहूँगा, हमारे यहाँ जो पत्रकार थे वो भाषा की तुलना में ज़्यादा समझदार और अच्छे लोग थे। हमारे यहाँ बहुत अच्छे लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे और बहुत ही ईमानदार पत्रकार थे। मैं तो अपने बहुत सारे मित्रों को जानता हूँ, उन्होंने कभी इस तरह का काम नहीं किया जो और दूसरे तरह पत्रकार थे। वो सरसर नहीं करते थे, वो कोई किसी कोई गिफ्ट कल्चर में जाते थे, वो सब नहीं आते थे, वो बहुत अच्छे अच्छे लोग थे हमारे यहाँ। लेकिन अभी तो ये तो कॉर्पोरेट वॉर है। अब कॉर्पोरेट वॉर में अब क्या नुकसान होगा, क्या होगा मार्केट क्रमशन में, कितना ही बनाई बचेगी, वो तो क्या कहा जाए इसमें। मतलब कि ये तो कर्म सब कर्मचारियों के लिए स्थिति है। हम तो उनकी शुभकामनाएं मनाते हैं कि वो लोग अच्छा बढ़ें, फ्लोरिश करें। हमारे साथी लोग, इतने लोगों का जीवन संकट उसमें है, रोजी रोटी का संकट है, देखिए क्या होता है।